अभी हमने खाना खाया था थोड़ी देर पहले, बहुत भूख लगी हुई थी और यहाँ पर इतना रश है, शदीद रश है, जिसकी वजह से जो है ना जगह नहीं मिल रही थी गाड़ी पार करने की। बड़ी मुश्किल से जगह मिली, फिर खाना खाया। अभी खाना खा के दोपहर का तो हम आए हैं इधर। ये यहाँ पर जी हश्त बहश्त है, महल कोई है हश्त बहश्त। अब उधर जाने लगे हैं, फिर उसके साथ जो है ना वो है मस्जिद है एक लुत्फुल्लाह, पुरानी मस्जिद है बहुत कदीमी, और साथ ही है मैदान नक्श जहाँ, ये कोई पुराने किसी बादशाह ने बनवाया था, यहाँ पर वो मुख्तलिफ उनकी फौजें आती थी तो पता नहीं क्या क्या होता था। अब वो मैदान जो है बहुत पुराना है, कदीमी है, बहुत खुला है, इसी वजह से उसको भी जो है ना लोग बड़ा वो करते हैं। तो अभी उसका आपको दिखाएंगे, फिर उसके बाद पोले खाजू है और पोले सी ओ से है, ये पुरानी पुलों में से कदीमी पुलों में से हैं और यहाँ की मशहूर तरीन पुलें हैं, तो वो भी आपको फिर जो दिखाएंगे। उसके बाद फिर घर जाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो फिर अभी आपको दिखाते हैं ये चीज़ें। ये सारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं ईरान की, यानी इस्फहान के अंदर जो है ना, ये पूरा इन्होंने लगाया हुआ है इन चीज़ों का। मामा, ये एक छोटा सा बाजार लगा हुआ है, यानी जिसमें ट्रेडिशनल चीजें इन्होंने दिखाई हैं यहाँ की। ये सारा एरिया है हश्त बहश्त अमारत का, और ये सफवी बादशाह था शाह इस्माइल, उसने ये बनवाई थी। ये बहुत बड़ा पार्क नुमा है जिसमें लॉन था और ये जगह थी जो उसके रहने की थी, और ये वो अमारत है। अभी अंदर जा के मैं आपको अंदर वाले हिस्से दिखाऊंगा। यहाँ से इसकी एंट्रेंस है, ये सामने आप देख रहे हैं, ये सामने का व्यू है। हुसैन मुस्तफ़ा आगे पहुंच जाता है भाग भाग के। एंट्रेंस है, यहाँ से आपने टिकट लेनी है। ये सामने टिकट वाले हैं, 4000 तुम्हारा टिकट है, इतनी ज़्यादा नहीं है, और फिर आप आ जाएंगे यहाँ पर। तो ये इसका मुकम्मल नक्शा और इसके बारे में लिखा हुआ है। एक हज़ार अस्सी इनकी बनती है हिजरी, उसमें मेरे ख्याल में इसको जो बनाया गया है। ये इमारत बहुत पुरानी है, इसी वजह से इन्होंने या शीशे लगाए हुए कि दीवारों को जो है ना वो ख़राब न करे। इस तरह के ये कमरे हैं और ये सतून नुमा है, ये देख रहे हैं आप, ये यानी आठ इसकी लग रहा है सतून है, जिसकी वजह से थी हश्त बहश्त कहते हैं। इसी तरह ये है,
ये सारे कमरे एक ही तर्ज के हैं, ये ना समझे आपके मैं एक ही आपको दिखाए जा रहा हूँ। तो ये आप अगर ऊपर से देखें, ये इसका मरकजी हिस्सा बनता था, ये फुहारा वगैरह है। तो यानी ये कदीमी एक इमारत है जिसको बहुत लोग आते हैं और देखते हैं, पुरानी नक्श निगारी और पुरानी तर्ज जो है उससे मालूम होती है कैसे लोग रहते थे, क्या करते थे। सारे रास्ते नरोज की वजह से बंद किए हुए हैं। यहाँ पर अब जो है ना ट्रैफिक कोई नहीं आ पा रही, खड़ी करने की जगह भी नहीं है, गाड़ी खड़ी करे बंदा। तो अब जो है ना हम पैदलों पैदल जा रहे हैं, अभी जाएंगे मैदान नक्श जान। ये भी पुराना, ये अक्सर जो चीज़ें हैं ना इस एरिए में, इसमें चेल सतून बन जाता है, हश्त पेश्त बन जाता है और काख अली कापू बन जाता है, इसी तरह मैदान नक्श जहान, ये सारे उस वक्त पुराने ज़माने का एरिया है जहाँ पर बादशाह रहा करते थे और उन्होंने हुकूमत की, उनका ये दारुलहुकूमत था। तो अभी जो है ना हम वहाँ जाते हैं, आपको मैदान नक्श जहाँ दिखाएंगे। ये रास्ते पे जा रहे हैं तो इसके बाद फिर वापसी पर आपको चेल सतून दिखा के फिर यहाँ पर एक शेख बिहाई का इल्मी असारों में से गिने जाते हैं। एक ये है कि दो गुम्बद बनाए थे, वो अभी तक जो है ना वो उनके अंदर लर्जिश है, पता नहीं क्यों लर्जिश है, वो आपस में हरकत करते रहते हैं, यानी गुम्बद हिलते रहते हैं। उसके अलावा उन्होंने एक हमाम बनाया था और उस हमाम का पूरा पानी जो है वो एक मोमबत्ती से गर्म हो जाता था, मोमबत्ती जलाते थे वो गर्म हो जाता था। अब वहाँ जा नहीं सकेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और शाम होने वाली है, वापस भी जाना है। यहाँ से कुम तकरीबन वही बताया था 300 कुछ किलोमीटर है, तो जाते हुए भी आपको पता फिर रात है, फिर फैमिली साथ, फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये है कि इस्फहान जो है वो एक दिन वाला घूमने वाली जगह नहीं है, इसके लिए एक हफ़्ते की ज़रूरत है, बंदा आए घूमे और चीज़ों को दिखाए। तो चलें, जितना हो गया हो गया, फिर अगली बार आएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। अच्छा, मैंने एक बात की थी आपसे, वो ये थी कि यहाँ से ना इस्फहान से एक हमारी बड़ी सियासी पार्टी है, उनके अबाव अजदाद का भी तल्लुक बनता है, तो वो नुसरत भुट्टो हैं जो कि भुट्टो ख़ानदान की जाके बहू बनी, और बेनज़ीर की वालदा, और इस तरह आसफा भुट्टो और बिलावल की नानी अम्मा, उनका ताल्लुक भी इसी शहर इस्फहान से था। बाज़ार है, अभी हम मैदान नक्श जहान पहुँचे हैं। ये तो अंदर पुराना बाज़ार है जो कि पुराने ज़माने में हुआ करता था। ये जी आप देख रहे हैं जो है ना, और इसके अलावा ये पूरा वो मैदान नक्श जहान है। अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो इसके अंदर बाजार भी है। बहुत बड़ा मैदान है और ये पुराना ही, आप अगर देख सकें तो ये इसका मरकजी हिस्सा है, यानी मरकजी नुक्ता जहाँ पर अभी हम आगे पहुँचे हैं। या ऊपर देखें, इसका वो है पुरानी इमारत, यहाँ बादशाह खड़े हुए करते थे और ये जो है ना पूरा मैदान हुआ करता था। ये मैदान नक्श जहान के चारों अतराफ के अंदर वाली जो जगह बनती हैं, ये वहाँ पर बाजार हैं, टोटली बाजार हैं, यानी उस तरफ भी इस तरफ भी। तो ये यहाँ पर आपको अक्सर ट्रेडिशनल चीज़ें मिलेंगी। हमें बाज़ार के अंदर आए हैं, यहाँ से गुजर रहे हैं, ये देखें। तो ये इनकी पुरानी पुरानी चीज़ें हैं। ये वही जगह है जो ऊपर मैंने आपको दिखाई है, मैदान नक्श जहान में इमारत अली कापू है। तो यहाँ की टिकट लेनी पड़ती है, टिकट तो ले लेते लेकिन रश बहुत है।
आगे भी वो दो तीन चीज़ें आपको दिखानी हैं, फिर इसी में टाइम ना गुजर जाए। तो अभी ये है कि हम फौरी निकलेंगे यहाँ से, कोशिश यही है। अभी हम यहाँ पहुँचे हैं पुल सीओसे पे, ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रही होगी, ये वाली पुल है। तो अभी यहाँ जाएंगे, वैसे शाम भी हो गई, अजानें हो गई हैं और यहाँ सर्दी भी बढ़ रही है और अच्छी खासी हवा चली हुई है। अभी आपको सीओसे पुल दिखाते हैं। तो ये है कि ये पुरानी पुलों में से इसीलिए ज़्यादा मशहूर है, लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पर इस्फहान के अंदर जो ज़्यादातर मशहूर है वो यही है कि सकाफत के उनवान से और तहजीब तमद्दुन ईरानी के उनवान से जो है ना इस्फहान मशहूर है। तो इसी वजह से यहाँ पुरानी इमारतें भी हैं, यहाँ पर पुरानी नक्काशी और उनके पूरे आसार जो पुराने थे वो भी यहाँ पर ज़्यादा मौजूद है। जैसे कि ये पीछे पुल आपको नज़र आ रही है, अभी चल के फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ से लोग जो है ना छलांगे मार के अंदर जा रहे हैं, ये देखें आगे, ये अंदर से पानी बह रहा है और ये आगे सारा पानी है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो वो देखेंगे, पहले वाला पार्ट, तो आपको मालूम होगा कि ये जो पानी है ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी दिखाया हमने, बाग परिंदगान में गए थे तो वहाँ पर एक पुल थी। तो अभी ऊपर चल के आपको दिखाते हैं कि ये जो इनकी पुरानी साख्त की ये बनी हुई है, बहुत पुरानी है, पता नहीं किस बादशाह के दौर की है, लेकिन यह बहुत मजबूत बनी हुई है। ये अब हम आ गए हैं इस पे, अब हम पुल के ऊपर हैं, आपको ना थोड़ा सा वो दिखाता हूँ। ये पुल खाजू है और रात बहुत हो गई है, हम यहाँ रुकना हमारे लिए मुनासिब नहीं है क्योंकि बच्चा भी सो गया है और यहाँ से अब पार्किंग की जगह भी नहीं है। तो अब हम वापस ही चलेंगे, तो इंशाल्लाह फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में ये कभी आए तो दिखाएंगे। अभी हम वापस निकल पड़े हैं कुंभ की तरफ, तो बाकी जो चीज़ें हैं आपको कहा है, जब दोबारा टूर लगेगा इंशाल्लाह तब तक फिर आपको दिखाएंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, इसमें मीनार भी गए थे जो वो वाले भी रह गए हैं, और एक हमाम था जिससे वो एक शमा से गर्म हो जाता था वो भी रह गया है, इस अलावा ये पुल खाजू भी रह गई और दो तीन और चीज़ें भी हैं। तो फिर जब अगली दफ़ा नेक्स्ट टाइम आएंगे तो तब उस टाइम जो है ना आपको बकिया भी दिखाएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और हतम ये जो है ना आपका प्यार होता है जो हम तक पहुंचता है ये करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में।